हम में से ऐसा कौन है जिसे साउथ इंडियन फूड नहीं पसंद? जी हाँ, चाहे वो इडली सांभर हो, चाहे वो सांभर वड़ा हो या फिर डोसा हो, डोसा सांभर चटनी, है ना? साउथ इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है सांभर। पर सांभर बनाने के सबके अलग अलग तरीके हैं। मेरे घर में मेरे हाथ के बने सांभर सबको बहुत पसंद आते हैं। इसे बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और बहुत कम से कम सामग्री में भी बनकर तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं। होप यू लाइक इट। यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं अनियन, टमाटर, गोभी, बैंगन, भिंडी। आप कुछ भी ले सकते हो, गाजर है, बीन है, आप ड्रमस्टिक, पम्पकिन, कद्दू, दूधी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। और यहाँ ये इमली है जिसे मैंने सोख करके रख दिया था, और ये तुअर की दाल। सांभर बनाने के लिए कुकर में डाला है मैंने तेल, थोड़ी सी राई के दाने, करी लीव्स और वाइट तिल, सेसमे सीड, इन सबों को, और साथ में लाल सूखी मिर्च अगर आप डालना चाहो तो। और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स को डाल के सॉटे किया है, तुअर की दाल और इमली का पानी डाला है। साथ में डाला है यहाँ मैंने सांभर मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। कुकर की लीड लगा देंगे और 4 से 5 विसिल आने तक पकने देंगे। चलिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए तड़का पैन में हमने लिया सरसों का तेल 2 चम्मच, हरी मिर्च या लाल मिर्च, राई के दाने, सेसमे सीड, करी लीव्स, और तड़का लगा देंगे और हमारा गर्मा गर्म सांभर रेडी है। अब ये देखिए, इडली बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने साथ में खाने को, आज मैं बना रही हूँ बड़े, तो इसके लिए उड़द की दाल धुली हुई, इसे सोक कर दिया था, 4 से 5 घंटे धुल लिया है और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, यहाँ ये ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड करते वक्त आप ये ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया ऐड किया है मैंने, और ये कटे हुए प्याज, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। आप इसकी जगह काली मिर्च भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा हींग डाला है क्योंकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और थोड़ा सा सॉल्ट, जैसा कि मैंने कहा ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा बड़ा जो है वो फ्लफी बने। और अब देखिए, तेली पे पानी लगाकर ढंग से सेक देंगे और मीडियम टू हाई आंच पे बड़ों को तल लेंगे। बड़ों को तलते वक्त आप ये जरूर ध्यान दें कि आंच हमेशा मीडियम टू हाई हो। अगर हाई आंच पर तलोगे तो हो सकता है कि बड़े आपके बाहर से तो कुरकुरे क्रिस्पी बन जाएंगे, पर अंदर से वो सॉफ्ट ही रहेंगे। तो अच्छे बड़े बनाने के लिए मीडियम टू हाई आंच पे तले। और यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए मैं कैसे सेप दे रही हूँ। हथेली पे मैंने लगाया पानी और अब बैटर को लूँगी और सेप देते हुए बीच में एक उंगली से होल करूँगी, और बस हमारा बड़ा तैयार है। बिल्कुल माँ गरम सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, हमारा सांभर बड़ा रेडी है। अगर आज के सांभर बड़े की रेसिपी आपको पसंद आई है, मैं और मेरी बातें पसंद आई है, मेरे बताने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, माँ, दीदी, भाभी, चाची, जितने भी लोग हैं सभी के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली, इसे मिलियन तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए बाय। हाँ, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करें, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। बाय, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।